अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों हम फिर से हाजिर हो गए हर्ष 2020 के रिलेटेड और एक नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक्स है वो है पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि हर्ष 2020 के लिए जो सिलेक्शन की प्रोसीड्यूर है वो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है। सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर यानी कि कुर्रा कुर्रा यानी कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स जो होता है हाजियों के सिलेक्शन के लिए, वो फिलहाल सारे स्टेट में खत्म हो चुका है। और जो भी हाजिस प्रोविजनली सिलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए हज कमिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया है, और वो सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 6, जो कि अवेलेबल है हज कमिटी के वेबसाइट पर। दोस्तों इस सर्कुलर के जरिए हज कमिटी ने बताया है कि जो भी प्रोविजनल सिलेक्टेड पिलग्रिम्स है उनको कितना पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, पेमेंट का प्रोसीड्यूर डिटेल में दोस्तों इस सर्कुलर में बताया गया है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक्स है वो उसी सर्कुलर के आलम पर है। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि आपको कितना पेमेंट करना है, पेमेंट का प्रोसीड्यूर क्या है, आपको पेमेंट के लिए पे स्लिप वगैरह कहाँ से मिलेगा, साथ ही साथ और भी रिलेटेड ढेर सारे जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे यही है कि वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों डिटेल में आपको बताने के लिए हमें जाना होगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों YouTube चैनल वैभव इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों हम आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक नज़र डाल लेते हैं जो सर्कुलर नंबर 6 है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है हज कमेटी का जो वेबसाइट है www.hajkamiti.gov.in पर। इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो न्यूज़ एंड अपडेट्स अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ पर दिखेगा, और यहाँ पर आपको सारे जो नोटिफिकेशन है सर्कुलर है वो मिल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हो सर्कुलर नंबर 6 रेमिटेंस ऑफ हज अमाउंट। जी हाँ दोस्तों ये सर्कुलर जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 6 वो डाउनलोड हो चुका है, और ये है रिगार्डिंग रेमिटेंस ऑफ हज अमाउंट। दोस्तों इसमें जो बताया गया है वो है यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है गाइडलाइंस, हज 2020 के जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के पैरा नंबर 14 में जो मेंशन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो बताया गया है दोस्तों वो है जो एप्लीकेंट्स प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं हज 2020 के लिए उनके लिए कितना अमाउंट भरना है फिलहाल, उस बारे में इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो कि एडवांस हज अमाउंट जो है वो भरना है हाजियों को, और वो है ₹81,000 ईच। हर एक हाजी को फिलहाल जो एडवांस हज अमाउंट के तौर पर ₹81,000 भरना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी प्रोविजनल सिलेक्टेड हाजीस है जो एप्लीकेंट्स है उनको और एक अमाउंट भरना है जो कि है फर्स्ट बैलेंस अमाउंट, और वो अमाउंट है ₹1,20,000। तो दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पेमेंट की जो शेड्यूल है, आपको कब कब पेमेंट करना है, ये पेमेंट का लास्ट डेट क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे एक नंबर पे दोस्तों देख सकते हो आप जो 81,000 का एडवांस हज अमाउंट जो है वो आपको भरना है 16th जनवरी से लेकर जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2020। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे है दोस्तों वो है फर्स्ट बैलेंस अमाउंट, और ये अमाउंट है 1,20,000 1,20,000 का, और ये अमाउंट भरने का जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2020। 81,000 भरने का जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2020, और 1,20,000 भरने का जो लास्ट डेट है वो है 15 मार्च 2020। तो दोस्तों ये तो हो गया लास्ट डेट के बारे में। अब नीचे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो इफ पिलग्रिम्स डिजायर्ड बोथ द एडवांस हज अमाउंट एंड फर्स्ट बैलेंस अमाउंट कैन बी पेड टुगेदर। अगर आप चाहते हो कि आप ये जो दो अमाउंट है ये दोनों को एक साथ ही भर देंगे तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है दोस्तों। अगर आप चाहो कि 81,000 हम पहले भरेंगे, अगर पैसे की तंगी है तो 1,20,000 हम आप बाद में भरेंगे यानी कि 15 मार्च तक भर देंगे, वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके पास पैसे अवेलेबल है तो आप दोनों जो अमाउंट है वो जोड़ के एक साथ आप भर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एक और चीज़ आपको बता देते हैं, हज के लिए जो इंस्टॉलमेंट होते हैं वो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी दोस्तों 3 इंस्टॉलमेंट में आपको भरना है। फिलहाल जो आपको भरने के लिए बोला जा रहा है वो 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पे भरने को बोला जा रहा है, और जो तीसरा इंस्टॉलमेंट होगा, तीसरा या फाइनल इंस्टॉलमेंट जो होगा वो हज कमेटी बाद में डिसाइड करेगा। तो वो हज कमेटी बाद में डिसाइड करके हाजियों को वो इंटीमेट करेगा कब अब वो पैसा आपको भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आता है पेमेंट मोड।
दोस्तों आप पैसे किस तरह से भर सकते हैं। प्राइमरीली दोस्तों आप जो पैसा हज कमेटी का जो भर सकते हैं, उसका दो तरीका है, दो तरीके से आप पैसे भर सकते हो। एक नंबर पे है दोस्तों, वो है ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, आप ऑनलाइन जो पैसा जो है डिपॉजिट कर सकते हो। हज कमेटी का जो वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in पे जाके आप जो अमाउंट है वो ऑनलाइन भर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ऑफलाइन। ऑफलाइन आपको बोल सकते हैं ये मैनुअल प्रोसेस है। आपको एक पे स्लिप मिलेगा हज कमेटी के वेबसाइट पे, वो पे स्लिप डाउनलोड करके आपको जाना होगा UBI यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी ब्रांच पे, और जाके वहाँ पे आप पैसा भर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे और एक चीज़ है, आप चेक के जरिए भी जो कि पैसा आप भर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको जो पे स्लिप है वो यूज़ करना मैंडेटरी है, क्योंकि पे स्लिप जो है वो आपको हज कमेटी में सबमिट करना होता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बताया गया है थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में। तो दोस्तों थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो होगा डिसाइड जब टेंडर होगा, और टेंडर कॉल करेगा, टेंडर जब फाइनल हो जाएगा, और उसके बाद जो एयर फेयर अमाउंट है उसका जो डॉलर में हिसाब निकलेगा, और उसके बाद सऊदी में जो एक्सपेंसेस हो गए उसका सऊदी रियल में जो हिसाब निकलेगा उस पर वेस्ट करके जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो डिसाइड करेगा हज कमेटी, और हाजिए को वो भी इंटीमेट किया जाएगा कि वो अमाउंट आपको कब भरना है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे चार नंबर पे जो पॉइंट है वहाँ पे बताया गया है द यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड टू ईच कवर मस्ट बी मेंशन इन रेमिटेंस रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है वो है बैंक रेफरेंस नंबर। एक यूनिक रेफरेंस, एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक कवर के लिए अलग अलग होता है, और जो पैसा आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपके लिए ये बैंक रेफरेंस नंबर जो है वो ज़रूरी होगा। डिटेल में दोस्तों हम आपको बाद में इस वीडियो में बता रहे हैं। इसके बाद जो है दोस्तों आपने पैसा जमा कर दिया, पैसा जमा करने के बाद आफ्टर डिपॉजिटिंग द एडवांस अमाउंट प्रोविजनल सिलेक्टेड पिलग्रिम्स शैल सबमिट हाफ ए कॉपी ऑफ पे स्लिप along with medical screening and fitness certificate as per format available in guidelines। तो यहाँ पे जो बताया गया है सबमिट कर लें, आपने पैसा जमा कर दिया, पैसा जमा करने के बाद जो भी प्रोविजनली सिलेक्टेड पिलग्रिम्स है उनको क्या करना है, जो हज एप्लीकेशन की जो कॉपी है वो आपको सबमिट करना है, उसके बाद जो पैसे जमा किए आपने उसका जो पे स्लिप की एक कॉपी है वो भी जमा करना है, साथ ही साथ मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ये सर्टिफिकेट यहाँ पे बताया गया है कि गाइडलाइंस में जो सर्टिफिकेट था वो थोड़ा अलग तरह का था जो शुरुआत में आया था, तो वो अभी अपडेट हो चुका है, जो हज कमेटी में वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके आप सबमिट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों और एक चीज़ आपको बता देते हैं, कुछ स्टेट्स के लिए ये अलग है, जो कि ऑलरेडी जो अंडर कोटा स्टेट्स होते हैं उन स्टेट्स में दोस्तों जो ग्रुप वन में आते हैं उन स्टेट्स में ऑलरेडी पासपोर्ट और हज एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, तो वो लोग इसको लेके मतलब टेंशन ना ले, उनके लिए जो अभी फ़िलहाल पे स्लिप की कॉपी है वो जमा करना है, और मेडिकल स्क्रीनिंग एंड फिटनेस सर्टिफिकेट ही उनको जमा करना होगा, और ये जमा करने की जो लास्ट डेट है वो भी 15th of February 2020 है। यानी कि आपने जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब जमा कर दी 81,000 का, वो जमा करने के बाद आपको ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ ये जो हज एप्लीकेशन फॉर्म और पे स्लिप वगैरह है वो भी आपको हज कमेटी में आपके जो स्टेट हज कमेटी है वहाँ पे सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे डिटेल में दोस्तों सारे चीज़ें आप बताए गए, आप इस सर्कुलर को एक बार ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर। तो दोस्तों ये तो हो गया, हमने शॉर्टकट में बता दिया सर्कुलर में क्या क्या है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आपको पेमेंट से पहले क्या क्या प्रिपरेशन लेना है, आपको क्या ज़रूरी है करना पेमेंट करने से पहले। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम चलेंगे फिर से हज कमेटी का जो वेबसाइट है वहाँ चलेंगे। तो आपको बता देते हैं दोस्तों पेमेंट के लिए ज़रूरी चीज़ है वो पहले ये देखना है कि आप प्रोविजनली सिलेक्ट हुए कि नहीं, साथ ही साथ आपको एक बैंक रेफरेंस नंबर भी चाहिए होगा जो हज कमेटी ने आपको इशू किया है कि नहीं, वो आप कैसे चेक करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको जाना है हज कमेटी के वेबसाइट पर और स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो सर्च बाय कवर नंबर सिलेक्ट हज ईयर, जो हज का ईयर है हज 2020 वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। इसके बाद आपको डालना है आपका जो कवर नंबर है। चलिए आपको एक लाइव करके हम दिखा देते हैं किस तरह से आप जो है आपके एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो देख सकते हो, और यहाँ पे आपको ढेर सारे डिटेल्स जो है आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं। जी दोस्तों ये कवर नंबर हमने एक डाल दिया, अब बस सिंपली आपको यहाँ पे लोड पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये लोड हो गया है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो आपका एप्लीकेशन है उसका पूरा डिटेल जो है यहाँ पे दिखा रहा है।
तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या क्या देखने मिलेगा, सबसे पहला जो है वो है आपका कवर नंबर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कवर नंबर बताया गया है। इसके बाद दोस्तों जो आता है दूसरे नंबर पर वो है बैंक रेफरेंस नंबर। जैसे कि इस कवर का बैंक रेफरेंस नंबर इशू हो गया है तो डेफिनेटली ये प्रोविजनली सिलेक्ट भी हो चुका होगा, तो उसको प्रोविजनली सिलेक्शन का स्टेटस आपको देखने के लिए जाना है नीचे। तो यहाँ देख सकते हो ये जो है यहाँ पर लिखा है स्टेटस, तो स्टेटस यहाँ पर इनका दिखा रहा है प्रोविजनली सिलेक्शन, प्रोविजनल सिलेक्शन, तो इनका प्रोविजनल सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। बाद में यहाँ पे सारे डिटेल्स, एकोमोडेशन कैटेगरी वगैरह जो भी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो आता है वो है पेमेंट, आपको कितना करना है। यहाँ पे इंडिविजुअली पिलग्रिम्स का बताया गया है एक पिलग्रिम्स को कितना भरना है, और टोटल भी यहाँ पे नीचे बताया गया है कि आपका पूरा जो कवर है, कवर के सारे मेंबर्स को मिला के आपको कितना पैसा भरना है वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे आप देख सकते हो एडवांस पेमेंट फास्ट इंस्टॉलमेंट ही यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे 2,01,000, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे दोनों को जोड़ा गया है, जैसे कि 81,000 और 1,20,000 दोनों को जोड़ के जो एक जो पिलग्रिम्स का होता है वो है 2,01,000। तो ऐसे देख सकते हो हर एक को 2,01,000 भरना है अभी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख सकते हो टोटल टू पे, जी हाँ दोस्तों, तो ये पूरा पूरे जो कवर है इसमें 5 पिलग्रिम्स है, तो पांचों को जो भरना है एक साथ वो है 10,05,000। तो ये अमाउंट जो है वो टोटल में बता रहा है। तो यहाँ पे दोस्त आपका एप्लीकेशन का स्टेटस जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों हमें जो पेमेंट के लिए ज़रूरी है वो है आपका ये बैंक रेफरेंस नंबर। चलिए हम इसको एक बार कॉपी करके रख देते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो चीज़ आता है वो है पेमेंट के लिए ज़रूरी क्या है, वो है आपका ऑफलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं, यानी बैंक में जाकर अगर आप पे करते हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी होगा एक पेन स्लिप, जो कि ऑलरेडी हज कमेटी ने एक प्रोफॉर्मा बना के दिए हैं। वो पेन स्लिप आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो पेन स्लिप दो तरीके से आपको मिलता है। पहला वाला जो है आपको जाना है ई पेमेंट में। ई पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड पे स्लिप। दोस्तों यहाँ पे ये जो पे स्लिप है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो कवर नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि हमारा कवर नंबर एक बार यहाँ पे डाल देते हैं, तो डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा सिलेक्ट बैंक। दोस्तों जैसे कि हज कमेटी के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक आपको दो ही बैंक में जो है पैसा जमा करना होता है, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद बस सिंपली आपको क्लिक करना है डाउनलोड नाउ पे। तो दोस्तों ये जो देख सकते हो जो हमारा पे स्लिप है वो डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ जो देख सकते हो, डिटेल यहाँ पे सब कुछ प्रिंट होके आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पेन स्लिप का यही खासियत कि आपको यहाँ पे आपका कवर नंबर डाल के अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे जो आपका डिटेल्स है वो प्रिंटेड रह जाता है। जैसे यहाँ पे कवर नंबर आ गया, यहाँ पे आपका बैंक रेफरेंस नंबर आ गया, उसके बाद जो है कवर हेड का नाम भी इधर आ गया, और जो भी पिलग्रिम्स है सारे पिलग्रिम्स का नाम भी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो। तो ये प्रिंट होके आ गया है। तो इसमें बस आपको ज़्यादा कुछ भरना नहीं है, बस आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच, जिस ब्रांच में भी आपने पैसे डाले वो ब्रांच का नाम, ब्रांच का कोड डालना है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है डेट डालना है, फिर अमाउंट डिपॉजिटेड बाय जिसने भी डिपॉजिट किया है वो चीज़ आपको भरना है। तो पे स्लिप का यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो तीन पार्ट है, एक है बैंक कॉपी, तो ये जो है बैंक अपने पास रखेगा। इसके बाद दोस्तों जो आता है एच यू आई कॉपी, ये कॉपी जो है आपको हज कमेटी में सबमिट करना है। और इसके बाद जो दोस्तों आता है पिलग्रिम्स कॉपी, ये कॉपी जो है आपको खुद के पास रखना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस बार जो पे स्लिप है उसमें कोई भी अकाउंट नंबर मेंशन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर की तरह इस बार कोई भी न्यूमेरिकल अकाउंट नंबर पे स्लिप में मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जो मैनुअल है जो बैंक वाले जो मैनुअल फॉलो करेगा वो मैनुअल यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये इस प्रोसेस में जाके बैंक वाले जो है आपसे जो पैसा है वो हज कमेटी में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो अकाउंट नंबर जैसे कि इस बार नहीं है, नया प्रोसेस है, तो बैंक वालों को भी दिक्कत हो सकता है पेमेंट के मामले में। तो ऐसे मामले में अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो ये पे स्लिप देखिए, पे स्लिप के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ नंबर मेंशन है, और ये नंबर है SBI मुंबई मेन ब्रांच का। तो SBI मुंबई का जो मेन ब्रांच है उसका नंबर यहाँ पे मेंशन है, ठीक उसी तरह UBI के पे स्लिप पे भी आपका मेंशन होगा। तो इस नंबर पे बैंक वाले जो है कॉन्टेक्ट करके ये जो सॉल्यूशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो उनसे बात करके सॉल्व कर सकते। तो ये तो दोस्तों हो गया एक पे स्लिप के बारे में आपको बता दिया। तो आपको और भी एक चीज़ बता देते हैं, और एक पे स्लिप है जो मैन्युअली है,
जिसमें आपको मैन्युअली सब कुछ भरना है, वो पे स्लिप आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों? उसके लिए आपको जाना होगा हज 2020 रिलेटेड डाउनलोड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो एडवांस पेमेंट स्लिप SBI, एडवांस पेमेंट स्लिप UBI। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जाके बस आपको सिंपली ये डाउनलोड कर लेना है। ये पे स्लिप जो है दोस्तों, ये टोटली मैन्युअली आपको भरना होगा सब कुछ। यहाँ पे कुछ भी प्रिंटेड नहीं रहेगा, इसमें आपको प्रिंट करके इस पर अपने हाथ से सारे डाटा जो है यहाँ पे आपको भरना होगा। तो दोस्तों ये तो हो गया जो ऑफलाइन पेमेंट, यानी कि बैंक में जाके जो पेमेंट करेंगे उसके बारे में हमने आपको बताया दिया। अब दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन पेमेंट किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको वही हज कमेटी की वेबसाइट में जाके आपको जाना है ई पेमेंट में। ई पेमेंट में जाने के बाद दोस्तों देख सकते हो एडवांस बैलेंस पेमेंट। जी हाँ, इससे पहले दोस्तों हम इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बार देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसका। तो टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल दोस्तों आ गया है ई पेमेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन फॉर ई पेमेंट। ई पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें बताया गया है नेट बैंकिंग, IMPS, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का फैसिलिटी जो है वो हाजियों को दिया गया है पेमेंट के लिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ढेर सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में आपको पढ़ लेना है, हम डिटेल में यहाँ पर नहीं बताएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हज कमेटी के वेबसाइट में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ हम आपको बताएंगे, जैसे कि ट्रांजेक्शन आपका हुआ कि नहीं, उसके लिए आप कन्फर्मेशन कैसे करेंगे। ए ट्रांजेक्शन कैन बी कंसीडर्ड टू बी सक्सेसफुल ओनली आफ्टर जनरेशन ऑफ रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गया तो एक रिसिप्ट जो है वो जनरेट होगा, तभी आप बता सकते हैं कि नहीं आपका ट्रांजेक्शन वो सक्सेसफुल हो गया। साथ ही साथ दोस्तों इस बार एक और चीज़ जो किया है वो है कि पेमेंट करते ही एक मैसेज जो है आपके मोबाइल में जा सकता है दोस्तों, तो वो भी आपके पेमेंट का कन्फर्मेशन बताए। स्पेशली दोस्तों आपको देखना है कि पेमेंट के बाद कोई रिसिप्ट जनरेशन हुआ कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रांजेक्शन चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, आप पैसे भरते हैं तो उस वक्त जो बैंक है, बैंक की तरफ से एक सर्टेन अमाउंट जो कि ट्रांजेक्शन चार्ज के तौर पर आपसे लेता है, और वो ट्रांजेक्शन अमाउंट क्या है आपको यहाँ पे सिंपली हम बता देते हैं। जैसे फैसिलिटी यूज थ्रो UBI, अगर यूनियन बैंक से जरिए आप जो फैसिलिटीज लेते हैं उसमें पेमेंट ऑप्शन डेबिट कार्ड का यहाँ पे सब बताया गया है। ये चार्ज ऑप्शन है डेबिट कार्ड का है, ये देखिए 0.25% पर ट्रांजेक्शन, ये परसेंट में है, ये परसेंट में आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे लगने वाले हैं। यहाँ पे बस दोस्तों एक चीज़ बस फ़ायदेमंद वो है नेट बैंकिंग का। तो नेट बैंकिंग में दोस्तों जो चार्जेस आपको लगेगा वो लगेगा ₹10 पर ट्रांजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, नेट बैंकिंग में यहाँ पे जो दिख रहा है वो बहुत कम पैसे में हो जा रहा है आपका। इसके बाद दोस्तों पेमेंट ऑप्शन SBI कार्ड का जो ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है आपको एक बार सिंपली बता देते हैं। तो ये तो कम पेमेंट का है, सबसे पहले जो जैसे कि हज का अमाउंट बड़ा अमाउंट का पेमेंट होता है, तो यहाँ पे जो है वो एबव ₹1 लाख एंड अप टू ₹5 लाख के लिए आपको कितना ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा, ₹20 पर ट्रांजेक्शन। 1 लाख से 5 लाख तक दोस्तों ओनली ₹20 पर ट्रांजेक्शन देना है। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको देना है ₹40 पर ट्रांजेक्शन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर बैंक का जो डेबिट कार्ड्स है उसके बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे जो दिखा जा रहा है ये ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है यहाँ पे अदर बैंक के लिए दोस्तों दिखाया गया है। इसके बाद पेमेंट ऑप्शन क्रेडिट कार्ड के लिए कितना आएगा वो यहाँ पे है। इसके बाद दोस्तों जो है SBI का नेट बैंकिंग का, जी हाँ दोस्तों नेट बैंकिंग का हम एक बार देख लेते हैं। अप टू ₹1 लाख ₹11.8 पर ट्रांजेक्शन, तो ₹11 लिया जाएगा 10 आपका 1 लाख तक के पेमेंट के लिए। 1 लाख से 5 लाख तक के लिए आपसे लिया जा रहा है ₹23.6 पर ट्रांजेक्शन। और ₹5 लाख एंड अबव अगर आप करते हैं ट्रांजेक्शन तो आपसे लिया जाएगा ₹47.2 पर ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों SBI में ही आपको फ़ायदा है, चाहे डेबिट कार्ड हो, SBI डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करते हो या फिर SBI नेट बैंकिंग से करते हो, इसमें आपको फायदा है। साथ ही साथ UBI का जो नेट बैंकिंग है वो भी फायदेमंद है। यहाँ पे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप जो ये डिटेल है, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपसे ध्यान से पढ़ लीजिए और आपके सहूलियत के मुताबिक आप जो हज के लिए पेमेंट है वो आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप बैंक में जाके पे स्लिप के जरिए भी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप कैसे करेंगे। दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको ई पेमेंट में जाना है। ई पेमेंट में जाने के बाद दोस्तों आपको ये एडवांस बैलेंस हज पेमेंट पे बस क्लिक कर देना है।
यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों ये आ गया जो ये इंटरफेस आपको दिखेगा। ये इस इंटरफेस में आपको बताया जा रहा है सबसे पहले जो मांग रहे हैं वो है बैंक रेफरेंस नंबर। यहाँ पे आपको बैंक रेफरेंस नंबर डाल देना है, तो एक बैंक रेफरेंस नंबर हम डाल देते हैं। दोस्तों ये बैंक रेफरेंस नंबर डाल दिया, साथ ही आपको मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद दोस्तों आता है ईमेल का ऑप्शन, अगर आपके पास ईमेल है वो डाल सकते, अगर नहीं है तो ये मैंडेटरी नहीं है, आपको बस सिंपली क्या कर देना है सबमिट में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों सबमिट में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे दोस्तों आ गया है पिलग्रिम्स का जो डिटेल्स है वो आ गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आपका जो पूरा कवर का जो अमाउंट है वो एक साथ एक ही बार में भरना चाहते हैं, तो सिंपली जो कवर हेड है आपका, कवर हेड का जो नाम है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट कर लेने के बाद जो एंटायर टोटल अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे भर देना है। या फिर अगर चाहते हो कि आप इंडिविजुअली भरना चाहते हैं पैसा, तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे है टिक का, तो जिसके नाम पे आप पैसा भरना चाहते हो वो आप यहाँ पर टिक करके जो अमाउंट है वो भर सकते हो दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर फुल पेमेंट आपको क्या करना है, फॉर इंडिविजुअल पेमेंट आपको क्या करना है, एक जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा वो मिनिमम कि 100 रुपीज से कम आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होगा, बैंक रेफरेंस नंबर कैसे डालना है, वो सब डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। अनेबल टू जनरेट, या दोस्तों अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है लेकिन आपको जो है आपका पे स्लिप नहीं मिला है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जो है आप अपना पेमेंट स्लिप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही तक था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट दोस्तों ये है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ रिक्वेस्ट दोस्तों ये है, आप जो हमारा चैनल है वेबल इंटरनेशनल, इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूले दोस्तों। तो साथ ही साथ एक चीज़ और भी आपसे कहना चाहेंगे, हज से रिलेटेड कोई भी सवाल हो दोस्तों आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक था पेमेंट रिलेटेड था, तो इस पर भी अगर कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे जितना हो सकता है हम आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।